आज हम कुरुक्षेत्र में हैं और हम उस पावन धरती पे हैं जहाँ पे ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। धरती मतलब ब्रह्म, जो ब्रह्म लोक है उसका निर्माण करने के लिए यहाँ पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ करने के बाद ब्रह्मांड की रचना का आरंभ किया था। और ये वही धरती है जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था। हम आपको दिखाते हैं आगे। और यहाँ की शांति भी बहुत अच्छी लग रही है। और ये सरोवर भी काफ़ी बड़ा है। और ये वही सरोवर है जिसमें दुर्योधन युद्ध के 18वें दिन छिपने के लिए बड़ा सीरियस है। कितना सीरियस कहा जाता है। और इस सरोवर के बीचों बीच में एक महादेव का एक मंदिर भी है जिससे कि सर्वेश्वर महादेव मंदिर बोलते हैं। अभी हम द्रौपदी कूप की तरफ जा रहे हैं और अभी मैंने दूर से ही एक बहुत बड़ी प्रतिमा देखी है जो कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के रथ की है और ये बहुत ही विशाल लग रही है। और अभी हम द्रौपदी कूप के पास हैं। ये द्रौपदी कूप कुछ भी हो, ये जगह बहुत ही सुंदर है, सुंदर और शांत। तो फाइनली यहाँ पे द्रौपदी कूप के पास हम लोग हैं। यहाँ पे जैसे कि मान्यता है, लोग बताते हैं कि यहाँ जो है द्रौपदी अपने केश धुला करती है उस टाइम के ज़माने पे। अब दिखाते हैं, कूप दिखाते हैं। महाभारत के टाइम की है, आप देख सकते हैं। महाभारत के टाइम की नहीं है, नहीं है, काफ़ी पुरानी दीवारें हैं यहाँ पे। अगर आप अगर हरियाणा आते हैं ना तो हम तो कहेंगे कि भाई आप जो अपनी एक बार पुरानी जरूर यहाँ पर पुरानी धरोहर है वहाँ जरूर घूमें, अपने जो अपने इतिहास से जुड़े, अपने इतिहास से जुड़े और अपने इतिहास के बारे में जाने। तो और कभी भी अपनी जो लोग इसे माइथोलॉजी बोलते हैं खासकर जरूर जवाब दें कि माइथोलॉजी नहीं, हमारा इतिहास है। और हम आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये क्या है। सत्यभामा घाट है यहाँ पे, सत्यभामा घाट इस साइड है और उस साइड जो है रुक्मणी घाट है। हमको यहाँ सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद आई वो है हरियाली, हरियाली और इसके बाद यहाँ पे शांति बहुत ज़्यादा है। अगर आप दिन में कभी भी आएँ, किसी भी टाइम पे आए तो हमारे हिसाब से लगता है कि यहाँ शांति ज़्यादा मिलेगी। आपका मूड भी थोड़ा। हमको सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की बरसीम लगी है। इसको क्या काट के घर ले जाना है क्या? नहीं नहीं, हो सकता है जानवरों के लिए उगाई गई हो। तो इधर ये इधर से चलते हैं ना, इधर से आओ। ये सत्यभामा घाट है, इसके ऊपर
चलते हैं। ये देखिए आप, ये पूरा वहां तक फैला हुआ है, जहां तक आपकी नजरें जा रही है वहां तक पूरा फैला हुआ है ये सरोवर जो है। पीछे साइड भी आप देखो, ये कौन सी मछली है छोटी छोटी, ये देख घुस जाती है ये बोनी दर गले साले घुस गई बाढ़ में जाए। पानी चलाते हैं कैसे अब ये तो नहीं पता है कि ये प्राकृतिक ही है लगता है, लेकिन इसको इसका जो इसके घाट बहुत अच्छे बनाए गए हुए हैं। और मेरे हिसाब से यहाँ पे आने का सबसे सही समय यही है, फरवरी मार्च, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी। वट और बरगद दोनों एक ही को बोलते हैं। और हम यहाँ पे जो है बरगद के पेड़ के नीचे हैं, जो कि बहुत पुराना है, महाभारत काल के टाइम का है बरगद का वृक्ष। और हम यहाँ पे झूला झूलेंगे, हमारा झूला झूलने का मन है, दिखाओ झूला झूलेंगे, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। देखो गिरेगा ना, पिछवाड़ा टूट जाएगा। चल ले, चल आ जा बस। तो यहाँ से अभी हम लोग एग्जिट मारेंगे, उसके बाद कहाँ चलना है गौरव? ज्योति सर, अब यहाँ से भगवान ज्योति सर ने गीता का महान उपदेश दिया था, अब हम लोग वहाँ चलने वाले हैं जहाँ लॉर्ड कृष्णा ने गीता उपदेश सुनाया था। यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से 6 किलोमीटर है, 6.5 किलोमीटर। कोई ना,